80,000 वोट हमने के बेरमो विधानसभा से चाहिए, और 30,000 मिलता है ना। हाँ क्वेश्चन सुनोगे रुक लास्ट मिलता है, और 30,000 और 30,000 माय मौसी काकी जेठी दादी नानी, और 30,000 वोट की चीज छाप ले की छाप ऐसे कहा कमे गई ए, हमने की छाप लगा सीखा देख ले काल के 2 साल के गिदरिया पुत्र में जाना है हमने छाप, अगर मैयो के जाने है तो हमने छाप, अखनी बप्पो के जाने है तो हमने के छाप, अखनी कक्को के जाने है तो हमने के छाप, अखनी जेठा जेठियो के जाने है तो हमने के छाप की लगाई। बस एक बार कैंची छाप दे दिया, ओकर बाद चंद्र प्रकाश चौधरी रहे, अनूप सिंह रहे, जितना जान पैसा भर के रखल तीन झोला में काट के निकाल लेब, सब काट के निकाल लेब, हमने छपवे खातिर सोच समझ के दलाय, इलेक्शन कमीशन बहुत सोच के दलाय की लड़ाई जरम मत तो कौन है तो पूरा आर्टिकल देख के दल। अच्छा एक नया टाइगर आया है इसलिए कैची दे देते, जितना है लुटेरा लोग खजाना को काटना है तो तैयार है, और बाकी तो एकदम विश्वास रखा बेरमो से आधा झारखंड के तस्वीर बदल देते। अरे बेरमो में से है दुनिया में कहीं ना है, बेरमो में से है सीधा दुनिया में कहीं ना है, और फिर भी बेरमो ब्लॉक लाचार बेबस दुख के बात है कि नहीं, और हमारा समझ में ना आवा है अनुप सिंह कहनी क्या लागो अगर बाप क्या लगले फूल तो पता लगे की आ यदि फूलो पता लगे तो गोटे बेरमो से पता लगे की, अरे फूल है वो लोग से पता लग जाए गोटे बेरमो लोग से अनुप सिंह बापे फूल पता लगे की जो ओकरा भटुआ झड़झड़ा के दे बुला लूट रहा है देख रहा है ताव दे रहा है पता नहीं की सोच के दे रहा है कहनी के मालूम पेपर में इतना बड़ो बड़ो छाप ले की एक दिन में 1 करोड़ फिर भी दे रहा है नॉन मैट्रिक लगे मैंने चोरी से सर्टिफिकेट बने लो ना नॉन मैट्रिक की सोच के वोट था की सोच के अनुप सिंह के वोट था बता जो भाई ना ओकर घर द्वार हिया ना ओकर भारी जारी हिया ना ओकर बाप काका के झारखंड राज्य में कौन संपत्ति की सोच के दावो और 500 टका पैसा दे हो। अच्छा तो ये बात बता यदि हमने के मान के चल 500 रुपया या 1,000 मिला है अगर उस 500 में हमने ईमान नहीं रखे पा रहा तो 5 लाख में ईमान रखे पड़ते, अगर हमने जनता अगर 500 में ईमान बेच रहा तो जाहिर सी बात है नेता 5 लाख में ईमान बेचते बेचते कि नहीं। बस घाटा बोल ले हमारा ताजुब है कि अनूप सिंह कैसे जीत गए बेरमो से, जे लोकवा पर एक बित्ता जमीन कहीं नहीं गला है, जे लोकवा के बाप दादा काका जेठा मामा मौसा फूफा क्यों झारखंड राज्य के लड़ाई नहीं लड़ल है और आज यहाँ महाराजा बन के साजल है तो की बार हिम्मत हो बेरमो में बदलाव है देख ले ऐसा नहीं करिया गाछवा चढ़ाई के फेड़ में टायर नहीं बांध दिया, गाछवा चढ़ाई के फेड़ में टायर नहीं बांध दिया बदलाव बताए बेरमो हमने झोली में आता है बस धोनी बेरमो हमने झोली में दे दे और जितना समस्या होकर समाधान हमने 90 दिन के समय लेबो 91 दिन में 1 को पदाधिकारी के दामोदर नदी में विसर्जन शुरू हो गए। टाइगर को चाहिए बेरमो मिलता है ना मिलता जब बिहारी के घर में 53,000 दिया सकल हो तो कुछ बुझा ही नहीं तो माना है भाई भी चुनाव वालों दादा 53,000 अभी लोकसभा के चुनाव में वोट मिला तो मायने है 53,000 वोट मामूली नहीं लगे लोग के 53 साल लगा है तो 53,000 वोट थोड़ी दला उठा करते बहुत बहुत आभार और बेरमो के जनता थोड़ी विश्वास रखा
बैरमो के बदलना है, बैरमो के साथ साथ पूरा झारखंड के हमने के बदलना है, विस्थापन पलायन के समाधान करना है। और साथ ही साथ अभी पंजी टू के नाम में बहुत धांधली गड़बड़ी चल रहा हो, हमने अगर सत्ता में आई गलियो तो चूंकि सीओ के अगर प्रोटोकॉल भेव है, अगर वो कहीं एक साल तक रहा है 365 दिन तो 120 दिन अपना राजस्व ग्राम के दौरा करे के नियम है। इसलिए हमने सीओ के फरमान जारी करवाए कि सीओ जनता के बीच हाजिर हो, जनता सीओ के पास ना जीतो, जनता सीओ के पास ना जीतो, सीओ के जनता के पास आए रहो, ई नियम नियम है। इसलिए आज एक बार अवसर दिए के काम करा, बदले में हमने झारखंड राज्य के तस्वीर के तकदीर के बदले खातिर आपन सर्वस्व हमने निछावर करे के काम कर, चूंकि आज हमारा अभी गोला में भी कार्यक्रम है तो ज्यादा समय नहीं लगो, बस ऐसे कहो कि यदि हमें सत्ता में आवे हो तो स्थानीय नीति के बनना बहुत जरूरी हो, जब तक स्थानीय नीति ना आए तब तक हमने बाहरी जो हो जितना बहाली सब लुटा ले। अभी देख ले जितना बहाली हाल फिलहाल 6 महीना में आई लो, और जितना जनरल कोटा से आई लो तो होने जाए के स्टडी कर ले, 100 गो में 90 गो 85 गो नौकरी बाहर के लोग ले गए। इसलिए स्थानीय नीति के साथ साथ उस स्थानीय नीति के आधार पर एक नियोजन नीति, और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि हम आरक्षण के रोस्टर से नहीं रोक पा रहे हैं तो हम भाषा के रोस्टर से रोकने का काम करेंगे। अगर जरूरत पड़ा तो हम लोग जिला में नहीं प्रखंड में भाषा को लागू करेंगे, क्योंकि बहाली प्रखंड लेवल का भी होता है, तो हम लोग प्रखंड में जो परीक्षा में लिखा जाएगा वो भाषा प्रखंड में चुना जाएगा। जैसे मान के चलिए बोकारो जिला में 9 गो प्रखंड है और 9 प्रखंड के में भाषा में अंतर है, इसलिए हम लोग प्रखंड के आधार पर भाषा तय करेंगे। यदि आप बैरमो में परीक्षा लिखने बैठे हैं तो आप कौन सी भाषा में परीक्षा लिखेंगे, और भारतीय संविधान को पढ़िएगा, आर्टिकल 15 और 16 को पढ़िएगा, वहां लिखा है आप जाति धर्म नस्ल लिंग क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, भाषा का जिक्र कहीं नहीं है। इसलिए हम लोग भाषा का बैरियर लगाएंगे, और राजस्थान वालों को राजस्थान में, बिहार वालों को बिहार में, बंगाल को बंगाल में टेक देंगे, भाषा का बैरियर लगाएंगे। कि गलत बोल रही हो, भाषा का पढ़िए, अभी आपके पास इंटरनेट है, आप गूगल कीजिए आर्टिकल भारतीय संविधान का आर्टिकल 15 और 16 पढ़िए, वहां भाषा का विवरण कहीं नहीं है, जाति का है, धर्म का है, क्षेत्र का है, मूल वंश का है, लिंग का है, उद्गम स्थान का है, ये 5 को 6 को के आधार पर आप भेद नहीं कर सकते हैं। इसलिए भाषा के आधार पर परीक्षा लिया जाएगा। आप देख ले भाषा से फायदा की बात है, एकदम लास्ट में बोलो, अगर बात थोड़ा विदाई लगो, जैसे अभी मान के चलिए सीजीएल के परीक्षा है, अगर हिंदी के पेपर लगाए और हिंदी के पेपर में एक मुहावरा पूछ लाए कि आंख का तारा, इसका मतलब क्या होता है, आग बबूला होना इसका मतलब क्या होता है, कमर कसना इसका मतलब क्या होता है, तो एकर मतलब, और साथ साथ यूपी के भी स्टूडेंट जान रहा लो, बंगाल के भी स्टूडेंट समझ रहा लो, राजस्थान और गुजरात के स्टूडेंट भी समझ रहा लो कि आंख का तारा माने बहुत प्यारा, कमर कसना माने तैयार होना, आग बबूला होना यानी क्रोधित होना, एकर आंसर आधा भारत के मालूम हो। लेकिन सेम सवाल अगर हमने अपन लैंग्वेज में हमने कि पकड़ करे हाथ करे करे झांक, एकर माने की लगे बुझाओ, है ना, कि हाथ से छूटल माछ और बांधे गड़े काज घूर घूर में पावा, एकर माने की लगे बुझाओ, है ना, कि हाथ से छूटल माछ और बांधे गड़े काज कीना है, एकर माने बुझाओ, बताओ क्या बुझाई पड़ता है, झारखंड के वो राजस्थान के लोग के समझ में नहीं आते की कह लिया क्या, उसको नहीं मालूम, और ये बाकी स्टेट भी करता है। मेरा एगो दोस्त, हमारे एगो दोस्त है उड़ीसा में, वो सब कुछ पास कर ले, दौड़ पास कर ले, एग्जाम पास कर ले, जब अगला इंटरव्यू के लेटर ले उड़िया भाषा में दे दे खाली नौकरी नहीं कर पाए। इसलिए रोकना कैसे है आपको ये देखना होगा, तो ज्यादा समय अब नहीं लेंगे, हम लोग का मिशन साफ है, हम
लोग का विजन साफ है, इस झारखंड को बदलना है, हम लोग का इरादा स्पष्ट है। अब आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, आपके वोट की आवश्यकता है कि इस बार इस झारखंड को आपके वोट से हम लोग बदलने का कार्य करेंगे। इस बार आपसे यही हमारी गुजारिश है, यही हमारी प्रार्थना है। और अनूप झलोटा के एकदम बाहर कर, अनूप झलोटा के एकदम बैरमो से विदाई कर, लूट लूट के लूट लूट के लूट लूट के बैरमो खोखला कर, एकदम अनूप झलोटा के बाहर कर। सवाल खत्म कर दे, रखने दे दे, अनूप झलोटा के एकदम बाहर कर। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं लगो, अब अपन विराम दबाए। अरे की सवाल है दिया माइक दे आओ ना कहीं है। हाँ और हमारा देश का विकास होगा, 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 और हम
एक्सप्लेन नहीं कीजिए, क्वेश्चन पूछिए डायरेक्ट। सबसे पहले जहाँ तक पढ़ाई लिखाई की बात हो तो हमने जहाँ तक बेटी छुआ का सवाल है, बेटी छुआ में पढ़नी हो जाएगा ना, बेटी छुआ का जानने व्यवस्था करो कि अपनी के केजी से लेके पीजी तक की जो पढ़ाई है अपन निःशुल्क कर दे। उसके बाद तकनीकी एजुकेशन है और अपनी के विशेष स्कॉलरशिप दिए जाते और किसी प्रकार का कोई ढिलाई नहीं रहते। और सबसे महत्वपूर्ण बात हमने के प्रोत्साहित कर समय समय में हमने एक्सपर्ट के माध्यम से ग्रामीण स्तरीय, पंचायत स्तरीय, प्रखंड स्तरीय कैंप लगे हुए जगह में इंटेलेक्चुअल एकेडमिक लोग या फिर शैक्षणिक संस्थानों में रिटायर्ड ऐसी महिलाएं जिन्होंने आईएएस के रूप में सेवा दिया हो, जिन्होंने प्रखंड पदाधिकारी के रूप में, जिला पदाधिकारी के रूप में, प्रोफेसर के रूप में सेवा दिया हो, ऐसी महिलाओं की टीम के माध्यम से हम लोग आएगा प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम चलवाएंगे ताकि लड़कियों को, बालिकाओं को कभी हतोत्साहित होने का अवसर ना मिले। क्योंकि सबसे बड़ा चीज है उसको आप रिदम में कैसे बना के रखते हैं, रिदम नहीं टूटना चाहिए, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है छात्र के लिए, हम लोग सिलेबस में थोड़ा सुधार करेंगे क्योंकि मुझे लगता है हमारा जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं काफी टफ है, इसके पीछे साजिश भी है और हम लोग चाहेंगे एक सरल और सुलभ सिलेबस हो, बकायदा वो सिलेबस सरकार की मुहर के साथ बाजार में मिले ताकि कोई अगर तो कॉपी भी करे तो सरकार का जो सिलेबस होगा उसी के आधार पर जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे वो मान्य होंगे। और उसके बाद हम लोग एक कैलेंडर जारी करेंगे जिसमें तमाम प्रतियोगिता की जो परीक्षाएं हैं उनका एक समय का निर्धारण किया जाएगा। तो नो डाउट जब हम लोग गवर्नमेंट में आएंगे तो जो एजुकेशन का मामला है उसमें हम लोग का विशेष ध्यान रहेगा, एजुकेशन के लिए हम लोग विशेष पैकेज रखेंगे। और क्योंकि हम लोग आज यहाँ तक आए हैं, अगर झारखंड के राज्य में आज हम लोग नई पार्टी बनाकर लीड कर रहे हैं और अगर आज मुझे लोग सुन रहे हैं तो रीजन यही है हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग डेटा के साथ बात करते हैं, फैक्ट के साथ बात करते हैं, तथ्यों के साथ बात करते हैं, तो प्रमाणिकता के साथ बात करते हैं। तो लिहाजा एजुकेशन हमारा पहला ध्यान रहेगा और अगर हम लोग युवा को स्ट्रॉन्ग करना है तो उनकी शिक्षा को स्ट्रॉन्ग करना होगा और इसके लिए हम लोग बहुत पूरी तरह से तैयार हैं। बकायदा इसके लिए अगर हम गवर्नमेंट में आते हैं और बिल्कुल पहले दूसरे सप्ताह में ही एक टीम का गठन किया जाएगा जिनको एक जिम्मेदारी दी जाएगी कि हमारा सिलेबस हो तो कैसा हो। और एक बात हम लोग ये भी तय करेंगे क्योंकि टीम के अलावा हमने ये डिसाइड किया है कि 24 जिला में जो भी कोचिंग संस्थान चलाते हैं बकायदा में सरकार की एक टीम का इंटरफेयर होगा, उनका एक परीक्षा लिया जाएगा और उस परीक्षा में पूरे राज्य में जो 24 जिले होंगे उनमें जो बच्चे टॉप करेंगे उनके टॉप बच्चों को हम लोग बुलाएंगे डेलीगेट के रूप में, और जो एवरेज स्टूडेंट रहेंगे उनको एक बुलाएंगे और एक स्टूडेंट ऐसा भी बुलाएंगे जो फेल कर जाएगा। क्योंकि हम उससे ये भी जानना चाहेंगे कि तुम किस कारण फेल हुए, यानी जो बैठक हम लोग बुलाएंगे जिसमें जो युवाओं के भविष्य को लेकर चर्चा करेंगे उसमें हम लोग फेलियर स्टूडेंट को भी जगह देंगे। 24 जिला के 24 फेलियर स्टूडेंट होंगे, टॉप तो रहेंगे टॉप फ्री, लेकिन फेलियर स्टूडेंट हम लोग इसलिए जगह देंगे उससे हम लोग पूछेंगे कि आखिर क्या कमियां रही सिलेबस में, क्या कमियां रही इस पाठ्यक्रम में, क्या कमियां रही तुम्हारे सवालों में जो तुम उत्तीर्ण नहीं हो पाए। नो डाउट हम लोग एक बेहतर शिक्षा नीति के लिए एकेडमिक लोगों के साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी राय भी ली जाएगी और उसके बाद हम लोग एक बेहतर शिक्षा नीति, शिक्षा को मजबूत कैसे किया जाए, बढ़ने हमारी शिक्षा से विमुख न होकर कैसे लगातार निरंतर बनी रहे उस पर हम लोग विशेष ध्यान रहेगा, विशेष चर्चा होगी। जो हाँ मैं प्रश्न करना चाहता हूँ, प्रश्न करना तो बोला चल गाड़ी में सीट खाली हो चल घर अपने छोड़ दो ये भी बोला मेरे गांव में आए तो मेरा ये अधिकार था करने का। ठीक हो
हम आपके गांव में आए, ये आपका अधिकार था, आपने तो सवाल किया, हमने उत्तर भी दिया। हालांकि अनूप सिंह और चौधरी जी उत्तर नहीं देंगे, धर्म महत उत्तर देगा। आपके गांव में आने से आपने सवाल तो किया, लेकिन कम से कम पूछ लेंगे क्या पानी पी लेते सवाल पहले पूछ ले, बढ़िया पहले नहीं गाँव तो लगो अभी हमने बोला और घर वही बैठे तो धन्यवाद आपके इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम हमारी पार्टी के तमाम सदस्य पदाधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मीडिया के तमाम साथीगण, जितने भी इस कार्यक्रम में उपस्थित माताएं बहने हमारे अभिभावक सभी को जोहार नमस्कार आदाब, और जो भी हमारी दीदी को दीदीगण भाईगण आज ज्वाइन हुए हैं उनका अभिनंदन करते हैं आभार करते हैं। आज हम सवाल दादा एक सवाल था मेरा दिखा कहाँ गई दादा नंबर 8290424945 आगे पढ़ा लिखा कर ला याद कर लेना दादा एक सवाल था मेरा 8292024945 देख ले भाई अगर फोन नहीं लग रही देख ले हमने के लगा एक दिन में 700-800 मिस कॉल आ जाए तो टेलीग्राम में कर सकल है व्हाट्सएप में भेज सकल है टेक्स्ट में मैसेज आ सकल है कि हम चांदो गांव के इस गांव से है हम बैरमो से हम चापी से हम धातु से है हम रिटर्न कॉल कर अभी ऑफ हो गए टिकट में आओ इधर मीटिंग है नोट रखना कैसे अभी भाषण दे रहा है कैसे होना कि बता तो नहीं अभी चेक कर लगा आदमी सभा ऊपर आओ जो लोग आज पार्टी ज्वाइन किए हैं वो लोग टाइगर दा के साथ एक फोटो ग्रुप फोटो एक ले ले, जो लोग आज पार्टी ज्वाइन किए पहले सभी को आगे आएंगे, जो लोग पार्टी में शामिल हुए हैं जो लोग जल्दी से आइए टाइम यहाँ चांदो पंचायत में हमारी माताएं बहनों के द्वारा लोकसभा चुनाव में विधान संग्रह किया गया था, जो आज टाइगर दा को स्वयं अपने हाथों से सपोर्ट किया जा रहा है, लोकसभा चुनाव के समय संग्रह किया गया था, इनका आग्रह था कि अपने हाथों से टाइगर दा को ये लोग सौंपेंगे। सभी से आग्रह है जो लोग आज पार्टी में शामिल हुए वो आगे आएंगे। दादा और पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, वो लोग एक बार फोटोग्राफ ले लेंगे अपने साथ में, पार्टी के पहले केंद्रीय पदाधिकारी जो लोग यहाँ उपस्थित हैं फ्रंट में आएंगे। पार्टी के जो भी केंद्रीय प्रधान उधर भी जो भी पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी हैं आएंगे, उसके बाद पार्टी के जो जिला के पदाधिकारी जो लोग हैं अब आएंगे, जिला के पदाधिकारी पार्टी के जिला पदाधिकारी अब आएंगे। पार्टी को
जिला के पदाधिकारी जो यहाँ उपस्थित है, पार्टी के जो भी जिला के पदाधिकारी हैं, रामेश्वर जी इधर आएंगे, पार्टी के जो भी बोकारो जिला के जो पदाधिकारी हैं वो कृपया आएंगे टाइगर के साथ। एक जिला के पदाधिकारी, जिला और प्रमंडल के भी पदाधिकारी आएंगे, जिला और प्रमंडल के जो पदाधिकारी हैं आइए। अब प्रखंड कमेटी जो पेटवार प्रखंड के पदाधिकारी हैं और पेटवार के दोनों खंड के जो 10 पंचायत हैं, जो बेरमो विधानसभा के हैं और जो गोमिया विधानसभा के हैं, प्रखंड के पेटवार प्रखंड के जो भी पदाधिकारी हैं, दोनों खंड के जो 10 पंचायत है उनके और जो पेटवार जो गोमिया विधानसभा के जो 14 पंचायत के पदाधिकारी भी शामिल होंगे यहाँ पर। जिला कमेटी के लोग थोड़ा खाली कर देंगे, जिला कमेटी के लोग थोड़ा खाली कर देंगे। प्रखंड कमेटी से आग्रह है कि जिला कमेटी खाली करेंगे हो गया है तो आप लोग साइड हो जाएंगे। मैं प्रखंड कमेटी पिटवा प्रखंड कमेटी से आग्रह करता हूं कि टाइगर का के साथ एक फोटो सेशन करेंगे। पेटरवार प्रखंड दोनों पेटरवार प्रखंड गोमिया विधानसभा का भी और पेटरवार का भी इधर भी बेरमो विधानसभा के दोनों लोग फोटो सेशन करेंगे। इसके बाद पंचायत कमेटी से अब हमारे इस महासभा का अध्यक्षता